इनफॉर्मल इन्विटेशन और वो है डिग्री करने के लिए स्वीकार करने, तो सेम वही इसका कोई सेम मैटर है, केवल थोड़ा सा चेंज करना है आपको। पेपर में मैटर लिख देता हूँ आपको, कोई था शून्य शून्य एड्रेस था आपका, या तो सुनिए जो होगा अगर नहीं रहेगा तो आप अपने अखबार कुछ भी देख सकते हैं। उसके बाद गैप देना, जाते मैंने कल भी लोगों को बताया था कि गैप का विशेष ध्यान रखना है, गैप का विशेष ध्यान रखना है। गैप देते हुए आपको डेट लिखनी है, जैसे इन्विटेशन लिखते हो आप तो डेट हो रही आपकी 21 जुलाई 2020। मैंने आपको कल भी बताया था इसमें ना तो कोई डॉट आएगा ना कोई कॉमा आएगा, और दूसरी बात यहाँ पर अंक का नियम है, ऐसे नहीं कि 7वां महीना है कि 8वां महीना है वो लिख दिया। फिर इसके बाद आपको गैप देना है और गैप देते हुए माई डियर, अब मैंने आपको पहले भी बताया था जिसके ऊपर पूछा जाए, मान लो आपसे पूछ रहा है फ्रेंड को लिखो, मदर को लिखो, ब्रदर को लिखो, जो जिसके ऊपर पूछा जाए वो आप लिखें। एड्रेस हो गया, डेट हो गई और यहां से आपको चार्ट करना है, यहां गैप नहीं देना है। थैंक्स जी। आपका वही नाम रहेगा, सेम नाम रहेगा, कारण यहाँ पर विजन इतना है, कारण हो गया, कारण लिखने के बाद इनाम लिखनी है जिस डेट के लिए आपको इनवाइट किया गया है,
आपको बुलाया है, स्थान लिखना है किस स्थान पर आपको बुलाया गया, लिखना लिखने के बाद आपको आपको कारण लिखना है कि आप फंक्शन को किस लिए रिपेयर कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, इसका कारण आपको क्वेश्चन में मिलेगा और क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कारण लिखना है। यहाँ पर नीचे आपको इस तरह आपका इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन जिसे आप रिपेट कर रहे हो या स्वीकार कर रहे हो, इसका मेरिट आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन में से आपको इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपेटिव पर रिप्लाई तैयार करनी है। एक बार वापस देखो फॉर्मूला आपका रहेगा, ऊपर आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस का आएगा इन्विटेशन स्वीकार किया था, उसके बाद में गैप देखते हुए गैप गैप का विशेष ध्यान रखना है, गैप देखते हुए डेट एंट्री करनी है जिस डेट को आप इसे रिसीव करके लिख रहे हो वापस, उसके बाद माई डियर फ्रेंड ने लिखा है फ्रेंड के ऊपर, मदर ने लिखा है मदर के ऊपर, ब्रदर ने लिखा है। ये लाइन आपकी रहेगी थैंक्स ए लॉट ऑफ and I am then receive your kind invitation for me. उसके बाद आपको किस कारणवश आपको invite किया गया है, किस दिनांक को किया गया है, कितने समय पर किया गया है और कौन से स्थान पर किया गया है, यह आपको इसमें लिखना है। ये लाइन या दे पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर एक व्यक्ति है तो भी और एक से अधिक व्यक्ति का प्रयोग इन्विटेशन अनेबल अटेंडेड ऑफ फंक्शन ऑफ इन टू। अब यहां पर कारण रहेगा कि आप इस फंक्शन में जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, मना करने का कारण यहाँ आपको दर्शाना पड़ेगा और वो कारण आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद विद बैक से और नीचे नाम आएगा जिसने इस पत्र को लिखा है, इस इनविटेशन को लिखा है। अब मैं आपको एक बार इसका क्वेश्चन देके बताऊंगा, क्वेश्चन आपका किस प्रकार आएगा।
प्रकार आपको ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तैयार करना है। मुकेश वर्मा रामा विहार का वर्मा का है।
उसने पहले इस इनविटेशन को राजेश को भेजा था, अब राजेश इस इनविटेशन को डिग्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो पता आएगा वो राजेश आ गया, यहाँ राजेश का पता आ गया। उसके बाद में जिस दिन राजेश इस इनविटेशन को लिख रहा है उस इनविटेशन की यहाँ पर डेट आ गई, माय डियर इन्फॉर्मल इन्विटेशन और डिबेट।
काफी है राजेश नाम का, तो इसको दे दो, सिंपल है कोई नहीं। एक बार आपको क्या बता दूं मैं कि अपने इनविटेशन पे इनविटेशन दो प्रकार के थे, एक फॉर्मल था एक इनफॉर्मल था। इनविटेशन दो प्रकार के थे, इनफॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन था उसमें भी दो प्रकार से बनाना था, दोनों प्रकार से मैंने आपको बनाना बता दिया। एक एक्सेप्ट करने के लिए बनाना था, एक रिजेक्ट करने के लिए बनाना था। दूसरा था इनफॉर्मल इनविटेशन, उसे भी मैंने दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन देके बनाना सिखा दिया। उसे भी दोनों तरीके से बनाना था, एक एक्सेप्ट करने के लिए एक रिजेक्ट करने। दोनों में थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है और क्वेश्चन का सहारा लेते हुए हमें दोनों को बनाना। तो इस प्रकार आपके लिए